ये देखो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी देखो मैं सुबह उठी हूँ तो बहुत तेज़ बारिश लगी हुई है और मेरी सासू माँ जा रखी है गौशाले में। देखो मौसम कैसे हो रखा है यहाँ का। आज आपकी रिक्वेस्ट पे मैं फुल व्लॉग बना रही हूँ। सबसे पहले मेरा काम होता है सुबह सुबह उठ के अभी के लिए दूध बनाना, और अभी वो ऊपर सो रखा है ना तो उसको दूध देने जाऊँगी सबसे पहले, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा रोता है। अभी दूध पियो, खड़े हो जाओ, चलो खड़े हो जाओ, दूध पियो, चलो खड़े हो जाओ, अभी मैं दूध लेके आई हूँ। बॉय मेरा हीरो, अरे गिरा दिया। अब इसको बोतल छोड़े हुए 1 महीना हो रहा है, सिर्फ 1-1.5 महीना हो रहा होगा, और मेरा सोना अच्छे से पी लेता है ग्लास में, चाहे कितनी गहरी नींद में हो ना उठ जाता है ये। देखो दोस्तों ये मेरे साथ ही उड़ गया है, इसको बोला तो सो जाओ तो बोला नहीं आपके साथ ही जाना है, और देखो इसकी वीडियो बना रही थी इसको गुस्सा आ गया। जब बारिश आई थी ना बारिश कब, किसकी फोटो आई थी, किसके फोन में? हमारे फोन में इनकी फोटो आई थी। देखो दोस्तों मैं आज आपको अपने छत में लेके चलती हूँ इसको, ये मतलब पहाड़ियों में ऐसे घर होते हैं ना। चलो ऊपर चलते हैं, यहाँ से जंप करते हैं, यहाँ से हाँ जी गौरम छोड़ना ही होता है। मैं जा रही हूँ अपने गौशाले में, अभी दिखाती हूँ लोग देखो क्या क्या काम कर रहे हैं बारिश में अपने गौशाले में। मैं अपनी गाय में घास डालने के लिए जा रही हूँ अभी, जब ये ज़्यादा भर जाता है ना तो दूसरे रास्ते से हमें अपने गौशाले में जाना पड़ता है। अभी मैं गौशाले में जा रही हूँ और देखो कैसे हो रखा है, हमारे घर के आगे पेड़ ही पेड़ है ना तो वहाँ से साफ नहीं दिखता है, यहाँ से देखो आप देख सकते हैं कितना अंधेरा लग रहा है। अभी यहाँ बरसात स्टार्ट हो गई है ना तो अब से बस यही है रोज का, कोहरा कोहरा, उजाला नहीं होता, बस अंधेरा रहता है, बारिश बारिश होती है। लोगों के सारे गाय बकरियाँ अंदर है क्योंकि बारिश बड़ी तेज़ लगी थी ना, अभी तो हल्की हो रही है बिल्कुल। देखो दोस्तों मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको दिखाया होगा कि हमारा गौशाला बहुत दूर है, तो अभी मैं चली रही हूँ। पहले के लोगों के गौशाले बहुत दूर हुआ करते हैं, अभी हमने अपना नया घर नहीं बनाया है, सब पुराना ही है, हमारा गौशाला भी पुराना है जो दूर है बहुत। बारिश की वजह से थोड़ा ये रास्ता साफ़ हो गया, नहीं तो इधर कीचड़ कीचड़ होता था, क्योंकि इधर सारे गौशाले गौशाले हैं ना ये सारे। अभी बारिश बंद हो गई तो लोगों ने अपने गाय बाहर निकाल दिए। ये देखो ये वाली है हमारे गौशाला।
लोग अपनी गाय बकरियों को जंगल ले जा रहे हैं चराने के लिए। अभी मैं आ गई हूँ और मैं जा रही हूँ फिर घर। बारिश अभी बंद ही है फिलहाल, मतलब थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की हो रही है बंद। मैंने सोचा था लोग गाय बकरियों को जंगल ले जा रहे तो आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन अभी लोग कुछ देर पहले ले गए हैं। देखो ये नीचे कितनी खाई है। ये देखो यहाँ पे मिर्ची लगाने जा रहे हैं। आधे लोगों का घर इधर है तो वो इधर से आते हैं अपने गौशाले में, और हम ऊपर से आते हैं। हमारा घर ऊपर है ना, हम ऊपर से आधे आधे लोग इधर से आते हैं। बहुत से लोगों के, मैक्सिमम लोगों के जो गौशाले हैं ना वो इधर ही है सब एक साइड में, लेकिन यहाँ लोगों ने देखो कूड़ा भी है, ये पत्ते पुत्ते सारे अटक रखे हैं। अभी बड़ा सा जब ये बड़ा गधेरा आएगा ना सारा जाएगा। आ आ आ ले। यार बच्चे कितने शर्माते हैं, देखो मैं वीडियो बना रही हूँ वहीं पे छुप गई वो नीलम। देखो मैं जबरदस्ती इसका मुंह दिखाऊंगी, किला शर्माड़ी तो देखो इसको शर्म लग रही है दोस्तों देखो। देखो दोस्तों लोग अब अपने गाय बकरियों को ले जा रहे हैं जंगल बारिश में भी। क्योंकि इतनी सारी गाय बकरियां रहती है तो बारिश में मतलब घास क्या खाएंगे, इसलिए उनको बारिश में भी जंगल ले जाना पड़ता है। मैं इसको छोड़ के आ गई थी और इसको देखो मामा जी, मैंने बोला तो मैं आपको वेट कर रही हूँ यहाँ पे। अच्छा इसकी छाता खोल दे ले। हाँ जी कहाँ घर में, ठीक है चल यहाँ पे क्या करेगी अभी, किसी की बकरी नहीं आ रही अभी। चलो क्या हुआ काजल, अभी हम जा रहे हैं ऊपर रोड में, अभी की बुआ लोग आ रहे हैं ना उनको लेने के लिए जा रहे हैं। इधर से देखो व्यू कितना अंधेरा हो रखा है। ये देखो गांव कितना अंधेरा हो रखा है। अभी की दो बुआ है, एक बुआ तो आ गई थी लेकिन ना वो छोटी बुआ को लेने गई हुई है कल से, तो आ जा रहे हैं दोनों साथ में। बड़ी बुआ के बच्चे यही हैं, वो बस छोटी बुआ को लेने गई है। ऊपर है रोड, ओ वहाँ ऊपर है रोड, रोड में चले गए हैं। हम इधर जा रहे हैं घास देखने के लिए।
यहाँ पे हमारे एक खेत है ना, युवल भी हमारी चाहिए, युवल युवल अभी काट रही है यहाँ पे। हाँ दादी घास काट रही है ना यहाँ पे। अभी मैं उधर गई जहाँ पे मेरी सासु, बस इसका यही काम है। थी वहां पे तो दादी वहां पे घास काट रही थी ना, दादी को डर लग रहा था। चलो चलो ऊपर रोड में चलो, बुआ आ रही है अभी। बुआ तो गाड़ी में बैठी है। हाँ तो आने वाली है ना, किधर तो चल तो चल वहां पे उस वाली गाड़ी में चल तो इधर देख के बोल, मुझे सुनाई नहीं दिया। हाँ जी वाली गाड़ी थी वहाँ पे उन्हें बैठी है। चलो तो देखने चलते हैं। चलो अभी हम पहुंच गए हैं रोड में, इधर से आएंगे अभी की बुआ लोग, और वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी हुई है तो इसको लग रहा है कि बुआ उसमें बैठ रखी है, तो चलो देख के आते हैं। चलो यहाँ पे यहाँ पे स्विमिंग पूल, यहाँ पे स्विमिंग पूल, ये देखो दोस्तों यहाँ से दिखता है आधा गांव, लेकिन आज ये पूरा ऐसे हो रखा है ना। अपने बरसात स्टार्ट हो गई है तो पहाड़ों में इतनी दुर्घटना, इतने एक्सीडेंट होते हैं कि आप देखते ही होंगे वैसे न्यूज़ में, बहुत मुश्किल हो जाता है इधर उधर जाना। देखिए ये तो अभी से उजड़ गया यहाँ पे एक दो बारिश में ही। ये तो पता नहीं कब का उजड़ा है। और अभी के देखो मस्ती शुरू हो गई है यहाँ पे, इसको पानी से इतना प्यार है, सभी बच्चों को होता है वैसे। क्या करके गई, कैसे करके? अच्छा क्या ये गांव के ग्रेप्स? यस। देखो हमारे पहाड़ों के ग्रेप्स, किनगोड़ा बोलते हैं इसको, किनगोड़े। इसका टेस्ट खट्टा मीठा आता है। ये देखो इतना रेड है, पिचका के देख, ब्लड टाइप का। अच्छा होता है ना इसे खाने में? हाँ खट्टा मीठा। ये जंगली फल बोल सकते हैं, ऐसे हमारे पहाड़ में बहुत सारे ऐसी जंगली चीजें मिलती है, जंगली फल खाने के लिए पेड़ों में। मम्मा नहीं मारेगी, नहीं मारेगी मम्मा। यो यो अभी तो ये भरती की, इसकी मस्ती देख लो दोस्तों इसकी मस्ती। हाँ। देखो इसको ये ऐसे ही करता है, देखो इतना शैतान इसने अपना। अभी आपका डंडा उड़ गया, देख अपने सलवार देख सारा भीग गया, वो ठंडी लगेगी फिर जुखाम हो जाएगा। एक बार करने दो ना। टाइगर आ गया। ओ को
ये अभी इतना बड़ा पत्थर कहाँ ले जा रहे हो? उस पानी में डाल उसके दीप। देखो दोस्तों मैं आपको एक चिड़िया की आवाज़ सुनाती हूँ, अभी जरा चुप हो जा। बहुत सारी चिड़िया बोल रही है, वैसे सुबह सुबह ज़्यादा बोलती है। जैसे कि मैं हर वीडियो में दिखाती हूँ, ये हमारे गांव की मंदिर नीचे गांव। देखो दोस्तों इस पेड़ में भी छोटी छोटी लगी हुई है, वो भी हम खाते हैं। जब ये पक जाती है ना तो ये भी खाने की है। दादी कहाँ गई? दादी को आवाज़ दे वहाँ पे से। दादी अभी तो ये कच्ची है, मतलब जब थोड़ा पक जाती है ना तब खाते हैं इनको। ऐसे बहुत सारे पेड़ है, जैसे अभी बोला था मैंने, ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं। देखो आप बताना, अगर आपके साइड ये होता है तो आप क्या बोलते हैं इसको, कमेंट में जरूर लिखें। और जब हाथ में हमारे कट वट जाता है ना, चोट लग जाती है, तो ये पत्ता है ना इसके रस को वहाँ पे लगाते हैं तो खून एकदम से बंद हो जाता है। ये औषधि है। देखो मम्मी अभी बारिश लगने लग गई, फिर हमसे वो बस स्टॉप के अंदर जा रहे हैं। अभी भाग के चलो, पानी में मत जाना। बारिश आने लग गई, एक ही छाता लेके आए हम। नीचे गिरेगा अभी। देख नीचे कितनी बड़ी खाई है, इधर आ इधर बैठ। तो बारिश हो रही है लेकिन लोग बकरियों को जंगल ले जा रहे हैं। कुछ लोग तो सुबह सुबह ले जाते हैं लेकिन कुछ लोग 11-12 बजे, ज़्यादा धूप होता है तो लोग 3 बजे भी ले जाते हैं। देखो हेलो आदी, हॉलीडे हम बक कर लिया। मौसी नमस्ते। अभी अभी पैर छुपो, अके जल्दी पैर छू, प्रणाम करो। अभी प्रणाम करो, मेरा भी छू। और दूसरी बुआ का भी छू, और छत पे ले गया। हेलो गाइस, आप देख सकते हैं मेरी मौसी और अभी की बुआ गई हैं, और ये मेरी मम्मी। अरे मम्मी जल्दी जल्दी चलो, ना एक मोटे पास है, हैं जम पास ही है। मेरा मैं देखे थे तक हम ये हमारा पूरा गांव है। गाइस हम घर पहुंच गए। अभी बैठ तू भी, अभी हम पी रहे हैं चाय।
इनको बारिश में ठंड लग गई तब चाय बनाई। देखो दोस्तों ये पहाड़ी फल है, पहाड़ी पुलम, मुझे ये बहुत पसंद है तो दीदी और लेके आ गए। देखो पापा तो आगे से चला गया। ये वो मूला, जो मूली होती है ना उसी का भाई मेल पार्ट होता है, मतलब मूला। इसको हमें से अच्छे से, अरे दो बार तो चला गए, इसको अच्छे से साफ करके फिर बनाते हैं। ये देखो ये पानी राख से इसको वो करते हैं तब इसको धोने में आसानी होती है। ये भांग के बीज है, लोग बुलावा ला भांग, भांग के पत्ते नहीं भांग के बीज, ये बहुत काम आते हैं वैसे और अच्छे भी होते हैं, मतलब हेल्दी। भंगुल का आ जाता है पहाड़ी भाषा में। देखो दोस्तों ये है भांग के बीज, ये अभी की बुआ बना रही है खाना। ये इसमें पहले ग्रेवी बन रही है भांग भांग के बीज की, और जो बनाते हैं ग्रेवी वगैरह प्याज व्याज की। हमने खाना खा लिया, अब हम बर्तन धो रहे हैं। ये हम गाय के लिए काट रहे हैं, देखो जैसे कुट्टी होती है वैसे ही, यहाँ पे मशीन से कुछ काम नहीं होता है, सब हाथ से होता है। यहाँ आदमी मशीन है। अभी हमने खाना खा के बर्तन धो दिए हैं और अभी दीदी झाड़ू मार रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं प्यारे से ब्लॉग के साथ।